बाय द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह। दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हम अडोबी इलस्ट्रेटर में बेसिकली पथ फाइंडर टूल पे बात करेंगे, जो ये भी पावरफुल टूल है। आपको ये पथ फाइंडर टूल यहाँ पे मिलेगा विंडोज़ में। अगर इस आर्टबोर्ड में नहीं है तो वहाँ से आप लोग इस वर्कस्पेस में इसको ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली पथ फाइंडर में जो दो पार्ट है वो शेप मोड मोड से और पथ फाइंडर है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो कॉमन है ये क्या करता है, एक या दो या तीन जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको एक दूसरे के साथ मैच करता है। इसको हम यहाँ से दबाएंगे तो ये दोनों मैच हो के और वन टू और मल्टीपल आइटम को यहाँ से मैच कर देता है। दोस्तों ये देखिए, तो ये फर्स्ट एग्जांपल है जिसको यहाँ से भी यूनिट बोलते, यानी जितनी भी आइटम है उसको एक साथ यूनिट कर देता है। ये सेकंड हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन जो है वो है यहाँ से माइनस फ्रंट, यानी उसका जो टॉप का है उसको माइनस कर देता है। दोस्तों अभी हम इस नीचे वाले लेयर को इतना पार्ट माइनस करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको ये दबा के वो पार्ट माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ। दोस्तों यहाँ से हम एलिप्स टूल क्रिएट करते हैं। अगर हमको इसका मैंने डुप्लीकेट बनाया, अगर हमें कुछ ऐसा शेप चाहिए जैसे हमें मून बनाना हो मून, तो मून को हम ऐसे बना सकते भी। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये ब्यूटीफुल मून हमने बनाया पाथफाइंडर माइनस फ्रंट शेप के मदद से, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़रूरत पड़ेगा इस टूल का, तो हम ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी आया हमारा जो थर्ड पॉइंट है इंस्ट्रक्ट वाला। ये क्या करता है दोस्तों, अभी अभी दोस्तों ये टूल ये करता है कि हमें सिर्फ दो शेप्स में से एक शेप बनाना है। फॉर एग्जांपल इस दोनों में से हमें ये पार्ट चाहिए, तो बेसिकली इसको यूज़ करने से देखिए दोस्तों, ये पार्ट बाकी का पार्ट, ये दोनों पार्ट और ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो गया। हमें दो शेप में से सिर्फ एक शेप यहाँ पे आया, जो इसको भी हम कहीं भी जगहों पे बहुत खूबसूरती से इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो ये भी यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन ये करता है कि ये फोर्थ ऑप्शन इस थर्ड ऑप्शन का ऑपोजिट काम करता है। अभी थर्ड ऑप्शन में हमने ये दोनों को ओवरलोड करके ये पार्ट चाहिए था ये हमको मिला, अभी इसमें ऑपोजिट है, ये पार्ट को डिलीट करके ये दोनों पार्ट रहने देता है। फॉर एग्जांपल तो ये पार्ट डिलीट होके ये दोनों पार्ट ये भी हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये था ये फर्स्ट लाइन का एग्जांपल। अभी ये सेकंड लाइन को हमें क्या करना है दोस्तों, कि वो पथ फाइंडर टूल है ये दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन ये करता है कि जितने भी ऑप्शन जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास ओवरलॉपिंग, सबको जितना भी ओवरलॉप पार्ट है उसको डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल इसको 1 2 3 4 5 पीस में इसको डिवाइड कर देता है। देखो अभी देखिए दोस्तों, ये शायद ग्रुप में होगा, इसको हम ग्रुप करके अभी सबके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए, जो ये भी हमें लोगो बनाने वक्त और कुछ भी ग्राफिक बनाने वक्त बहुत काम आता है, यूजफुल टूल है।
हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन है वो है ट्रेम्प का। ट्रेम्प क्या करता है दोस्तों, अब यहाँ से हम ओके दोस्तों, तो कुछ कलर चेंज करते हैं ताकि हमें खूबसूरती से पता चले। ओके अभी ट्रम्प ऑप्शन को यूज़ करने से देखिए दोस्तों क्या होता है, इसको अनग्रुप कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे तो सबका टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े बनाए, लेकिन यहाँ पे ओवरलैपिंग शेप को जो सबसे नीचे है उसको वो पार्ट डिलीट कर देता है दोस्तों। अभी फिर से देखते हैं। अभी देखिए दोस्तों ये जो नीचे वाला है, इस एग्जांपल के लिए मेरे को दो शेप चाहिए। ओके दोस्तों कुछ इस तरह। अभी देखिए दोस्तों कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ता है जो किसी सब्जेक्ट में से किसी पार्ट को हम किसी शेप को यूज़ करके माइनस करना पड़े, तो हम बहुत आसानी से ये पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। ये भी सेम लाइक माइनस फ्रंट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट को भी सेम का सेम रहने देता है, इसको डिलीट नहीं करता है। तो ये था ये एग्जांपल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल के लिए मैं ये एक इलिप्स बनाता हूँ, ये कोर इलिप्स बनाता हूँ। ये जो पार्ट है इसने भी ऑलमोस्ट सेम काम किया इसकी तरह दोस्तों, और लास्ट का जो लास्ट का जो ये ऑप्शन है वो करता क्या है दोस्तों के ओवरलैपिंग पार्ट को रहने देता है और बाकी को सबको डिलीट करता है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह। हमें रग्बी बॉल चाहिए फॉर एग्जांपल, जैसा रग्बी बॉल, तो हम इसको यूज़ करके ये देखिए रग्बी बॉल जैसा शेप हमें मिला। और ये जो लास्ट का ऑप्शन है ये सिर्फ आउटलाइन बनाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉरी ये वाला आउटलाइन बनाता है। तो इसको यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट का आउटलाइन देख सकते हैं। और ये जो पार्ट है तो इसी शेप्स को दोस्तों आप लोग अपने प्रोजेक्ट में ज़रूरत पड़ते वक्त यूज़ कर सकते हैं। बहुत पावरफुल टूल है पार्ट फाइंडर टूल। अगर फॉर एग्जांपल कोई लोगो डिज़ाइनर है तो स्पेशली वो बहुत यूज़ करता है इस टूल को, और ये शेप बिल्डर टूल जो हमने ऑलरेडी इस पे भी ट्यूटोरियल बनाया है। होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल्स।